गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री क्या है, तो आई एम डॉक्टर परवीन पिप्पल, फर्स्ट फ्लाइट क्लासेज आपके लिए लेके आया है। बेसिक केमिस्ट्री को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें। बच्चों को मोस्टली बहुत दिक्कत आती है केमिस्ट्री पढ़ने में। जब हम टेंथ क्लास से आते हैं तो टेंथ क्लास में बच्चे 5 चैप्टर सिर्फ केमिस्ट्री के पढ़ते हैं और पूरी एक बुक होती है। लेकिन जब बच्चे 11th क्लास में आते हैं तो वो प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। अलग अलग सिलेबस हो जाता है, फिजिक्स की अलग बुक हो जाती है, केमिस्ट्री की अलग बुक हो जाती है, एंड देन आपका अपना मैथ्स की अलग बुक हो जाती है, बायो की अलग बुक्स हो जाती है। हमारा फर्स्ट फ्लाई क्लासेस स्पेशली फेमस है केमिस्ट्री के लिए। बच्चों को केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते हम। तो आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, केमिस्ट्री आई कहां से। तो प्लीज आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से आपको बहुत ही बेस्ट नॉलेज की वीडियो मिलती रहेंगी। आप जैसे जैसे सब्सक्राइब करेंगे आपके पास एक के बाद एक के बाद एक कॉन्सेप्ट की अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। तो देखो, टेंथ में हमने एक बेसिक रिएक्शन पढ़ी थी। सबसे पहले कि एक साइंटिस्ट आए थे निकोलस लैमरी, निकोलस लैमरी के बाद बर्जीलियस साइंटिस्ट आए थे। तो ये केमिकली उन्होंने केमिस्ट्री को डिफाइन किया, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री एक्चुअल है क्या, केमिस्ट्री वर्ड आया कहां से। तो ब्लैक कलर की सॉयल से केमिस्ट्री को कन्वर्ट किया गया, जिसको हम बोलते हैं कीमिया सॉयल, और कीमिया सॉयल से नाम पड़ गया केमिस्ट्री। अब वहीं से केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। लेकिन आप लोगों ने टेंथ में एक चीज पढ़ी होगी जरूर, मैटर क्या है, ठीक है। मैटर की प्रॉपर्टी 2 पार्ट पे डिपेंड करती है, एक तो केमिकल एंड देन फिजिकल, ठीक है। वहीं से एक वर्ड आता है आपका केमिकल साइंस। केमिकल साइंस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केमिकल साइंस, केमिस्ट्री डिवाइड बाय मेनली 3 पार्ट। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। हम पूरी साल केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, 11th भी कर लेते हैं बच्चे, 12th भी कर लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा मैटर, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके मोल कॉन्सेप्ट, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले 11th क्लास में पढ़ने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका सिलेबस किस तरीके से डिजाइन किया गया है, कौन कौन से आप उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपको उसका बेसिक नहीं पता, सपोज दैट मैं आपसे यहाँ से कहा जाए कि आपको यहाँ से मुंबई जाना है, अगर आपको उसका मुंबई जाने का रास्ता ही नहीं पता तो आप मुंबई कैसे पहुंचोगे। आप बाय बस जा सकते हो मुंबई, बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय प्लेन जा सकते हो। ऐसे ही केमिस्ट्री को 11th क्लास में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो हम यहाँ पे 11th क्लास में 3 टाइप का मिक्सचर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। और मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आई, किस पे डिपेंड करती है, किस तरीके से ये हमारे 11th और 12th में वर्क करेगी। तो इससे आगे अगर आप देखना चाहते हैं इसकी अगली वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे लगातार इससे रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।